बच्चों, मैं रमेश यादव आप लोगों को कक्षा 7 का लेसन 4 पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है मिस्टर गार्बेज एंड मिसिस पॉलीथीन। यानी इसमें 2-3 लोग हैं जो कि कन्वर्सेशन करते हैं, तो आप लोग देखिए इसको। ए गर्ल वाज टॉकिंग टू ए हिप, यानी एक लड़की बात कर रही थी। ए गर्ल वाज टॉकिंग टू ए हिप ऑफ गार्बेज, एक लड़की कूड़े के ढेर से बात कर रही थी। हिप मीन्स ढेर होता है। देखिए, लड़की गर्ल कहती है हु आर यू, पूछती है कि हु आर यू, आप कौन हैं। यू स्मेल सो बैड, आप इतना बुरा दुर्गंध देते हैं। आई मे फॉल सिक, यानी मैं आपकी दुर्गंध से बीमार पड़ सकती हूँ। मिस्टर गार्बेज कहते हैं, आई एम मिस्टर गार्बेज, अपना इंट्रोडक्शन बताते हैं, अपना परिचय बताते हैं कि मैं मिस्टर गार्बेज हूँ। आई एम फाउंड एवरी फेयर, मैं हर जगह पाया जाता हूँ। गर्ल, अब देखिए लड़की पूछती है, यू लुक सो अगली, आप इतना भद्दा दिखते हैं। व्हाट आर यू मेड ऑफ, आप किससे बने हैं। मिस्टर गार्बेज कहता है, आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पील्स, मतलब मैं सब्जी के छिलके से बना हूँ। ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथिस, पुराने और फटे कपड़ों से बना हूँ। शूज, मतलब पुराने जूते से बना हूँ। यूटेंसिल, जो बर्तन होता है कबाड़ जैसा, उससे बना हूँ। पेपर से बना हूँ, रद्दी कागज से बना हूँ। एंड एनीथिंग यूजलेस दैट यू थ्रो अवे, और उन सबों से बना हूँ जो आप यूजलेस समझ करके फेंक देते हैं। गर्ल कहती है, वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज, आप कहाँ। हाँ, लड़की कहती है कि वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज आप कहाँ रहते हैं। मिस्टर गार्बेज बताते हैं कि डस्टबिन इज माई होम, यानी डस्टबिन मेरा घर है, डस्टबिन में मैं रहता हूँ। यू कैन ऑल्सो पुट मी इन ए पिट एंड कवर इट, यानी आप मुझे गड्ढे में भी रह सकते हैं और उसे ढक सकते हैं। गर्ल कहती है, देन वाई आर यू हियर, तो आप यहाँ क्यों हैं। मिस्टर गार्बेज कहते हैं, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। बिकॉज पीपल थ्रो मी एनी वेयर दे लाइक, क्योंकि लोग जहाँ चाहें वहीं हमको फेंक दें, वहीं मुझको फेंक दें, जहाँ भी चाहें। लोगों ने मुझे यहीं फेंक दिया, इसलिए मैं यहाँ हूँ। इफ दे पुट मी इन ए पिट, अगर लोग मुझे गड्ढे में रख दें, एंड कवर इट, उसे ढक दें, तो आई मे बिकम यूजफुल फॉर देम, मैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता हूँ, बहुत ही लाभप्रद हो सकता हूँ। गर्ल कहती है, हाउ इज दैट पॉसिबल, कैसे संभव है। लड़की पूछती है, कैसे संभव है। मिस्टर गार्बेज कहते हैं, देयर आई मिक्स विथ सॉयल, क्योंकि अगर लोग मुझे पिट में रह करके, गड्ढे में रह करके कवर कर देते हैं, तो मैं मिट्टी में, वहाँ पर मिट्टी में मिल जाता हूँ। एंड टर्न इनटू मैन्योर, और इसके बाद मैं बदल करके मैन्योर बन जाता हूँ, मतलब खाद बन जाता हूँ। टू ग्रो रिच क्रॉप फॉर यू, यानी आपके लिए अच्छी फसल पैदा करता हूँ, मैं उपजाऊ बन जाता हूँ। और देखिए, गर्ल कहती है, दैट्स गुड, बहुत अच्छा, बट हु इज़ दैट। लड़की पूछती है कि वह कौन है, यानी कोई उसको और कोई दिखाई पड़ता है, तो पूछती हु इज़ दैट, वो कौन है। मिस्टर गार्बेज कहता है कि शी इज़ मिसिस पॉलीथीन, ए मिसिस पॉलीथीन जी हैं, प्लास्टिक को कहता है मिसिस पॉलीथीन जी हैं। गर्ल, मिसिस पॉलीथीन, शी लुक्स सो प्रेटी, इतना सुंदर लगती हैं, इतना सुंदर दिखती हैं। मिस्टर गार्बेज कहता है, डियर चाइल्ड, प्रिय बेटी, प्रिय बच्ची, नो डाउट, कोई शंका नहीं है, निसंदेह, विदाउट एनी सस्पिशस, शी इज वेरी प्रेटी, यानी वो बहुत सुंदर हैं। एंड यूजफुल, और वास्तव में यूजफुल भी हैं, लाभप्रद भी हैं। बट डू यू नो, लेकिन क्या तुम जानती हो। एनिमल डाई, पशु मर सकते हैं, इफ दे स्वॉलो इट,
अगर कोई प्लास्टिक को निगल लिया, स्वालो कर दिया, निगल लिया तो दे में डाई, यानी वो मर भी सकते हैं। सी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन, यानी कहता है कि वह जो बहुत ही खतरनाक है, मानव के लिए बहुत ही खतरनाक है। गर्ल पूछती है इन व्हाट वे, कैसे डेंजरस है मिस्टर गार्बेज। कहते हैं बिकॉज सी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि वो प्लास्टिक की बनी है। एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको बताया, आई कैन मिक्स विद द सॉइल, मैं तो मिट्टी में मिल सकता हूँ, बट प्लास्टिक नेवर मिक्स विद सॉइल, लेकिन प्लास्टिक जो है कभी मिट्टी में नहीं मिलता, ये कभी मिट्टी में नहीं मिलती। इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी यह मिट्टी के अंदर लंबे समय तक वैसे के वैसे पड़ी रहती है। गर्ल पूछती है फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय तक वह पड़ी रह सकती है। ऑलमोस्ट फॉर ईवर, लगभग हमेशा के लिए वह वैसे ही पड़ी रह सकती है। फॉर ईवर, सदा, ऑलवेज। गर्ल कहती है बट मिस्टर गार्बेज, लेकिन मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक इज एवरीवेयर, प्लास्टिक हर जगह है। वी यूज सो मैनी थिंग्स, यानी हम इतनी चीज़ें यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं मेड ऑफ प्लास्टिक, जो प्लास्टिक की बनी होती है। सच लाइक टॉयज, जैसे खिलौना हुआ, कंटेनर डिब्बा हुआ, कंप्यूटर हुआ, क्लाथेज कपड़े होते हैं, बैग्स बैग होते हैं, बस्ते होते हैं, एक्सेट्रा इत्यादि। मिस्टर गार्बेज कहते हैं यू आर राइट, आप सही कह रही हैं। पीपल यूज इट बिकॉज, लोग इसे यूज करते हैं, लोग इसे प्रयोग करते हैं। बिकॉज प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप, क्योंकि प्लास्टिक को किसी भी शेप में, किसी भी आकार में आप इसको मोल्ड कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। एंड इट डज नॉट ब्रेक इजली, और वास्तव में प्लास्टिक जो है सरलता से टूटता भी नहीं। बट रिमेंबर, लेकिन एक बात याद रखना, इट इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, यानी यह जो एनवायरनमेंट के लिए प्लास्टिक अच्छा नहीं है, सुइटेबल नहीं है। गर्ल कहती है ओके, ठीक है, आई विल रिमेंबर, अब मैं इस बात को याद रखूँगी, दिस एंड आल्सो आस्क माई फैमिली, और अपने परिवार से जाके कहूँगी, एंड नेबर्स अपने पड़ोसियों से बोलूँगी टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक का यूज़ करना बंद करने के लिए कहूँगी। मिस्टर गार्बेज, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, देन आवर अर्थ विल बी ए क्लीन एंड हेल्दी प्लेस टू लिव इन, तो हमारा यह जो हमारी धरती है वह लोगों के लिए बहुत ही साफ सुथरी रहेगी और बहुत ही स्वस्थकर रहेगी। ये लेसन खत्म हुआ बच्चों। अब देखिए, आप लोगों को हम जो है, जैसा कि PDF के माध्यम से हम आपको प्रश्न उत्तर भेजते हैं, लिखवाते हैं, तो आप लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, लिस्ट द आइटम्स यू थ्रो, पहला क्वेश्चन है लिस्ट द आइटम यू थ्रो इन द डस्टबिन एज गार्बेज, यानी आप उस आइटम का, उन वस्तुओं का, उन पदार्थों का, आइटमों का आप एक लिस्ट बनाइए इन डस्टबिन, जो आप डालते हैं डस्टबिन में एज ए गार्बेज, गार्बेज समझ करके, कूड़ा करकट समझ करके, जिसे आप डस्टबिन में बेकार फेंकते हैं, बेकार समझ करके। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द आइटम्स जनरली थ्रोन एज गार्बेज, यानी कौन कौन से आइटम हैं जो फेंके जाते हैं गार्बेज के रूप में, विच कैन बी रीयूज, जिसको आप दोबारा फिर से यूज़ कर सकते हैं, एंड रिसाइकल्ड, या फिर से उसको परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज गार्बेज गेट मिक्स विद सॉइल, यानी कैसे जो है कूड़ा करकट मिट्टी में मिल सकता है, कैसे मिलता है, एंड बिकम यूजफुल फॉर अस, और हमारे लिए कैसे वह जो है यूजफुल हो सकता है। और देखिए चौथा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द एनिमल, यानी क्या हो सकता है जानवरों को व्हेन दे स्वालो पॉलीथीन बैग्स, जब वे कोई पॉलीथीन बैग्स स्वालो करते हैं, निगल जाते हैं, तो क्या हो सकता है। पांचवा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए
हाउ इज़ पॉलीथीन डेंजरस फॉर अस, यानी पॉलीथीन हमारे लिए कैसे डेंजरस होता है इसको आप बताएंगे। लेसन ख़त्म हुआ, थैंक्स।